बोरिंग लगता था लाइब्रेरी का। मैंने तो आज तक पढ़ी अभी लाइफ में दो तीन सुखी सुखी होगी मैंने। और पीछे स्टेज नजर आ रहा है, मतलब इस तरफ रौनक है और इस तरफ आयुष्टी है, गेट है। हमें हेल्प की जरूरत होती थी तो मैनेजमेंट हमारी बारी इतनी कोऑपरेटिव थी, मतलब आज भी है, आज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी बारी हमें नंबरों की जरूरत पड़ती थी, हमें जिगरे की जरूरत पड़ती थी कि बस हम जाएं और अपनी प्रॉब्लम लेके चले जाएं। एंड यूज टू लिसन टू सो गुड बट दिस इज वेरी कन्वीनियंट फॉर स्टूडेंट्स आई वुड से कि यू नो थिंग हैज डन दिस फॉर। ट्रॉफियां देखी मैंने भैया, इतने तरीके की ट्रॉफियां इतने सालों में बनती है, हमें भी ढूंढनी पड़ेगी, हमारी कहाँ रखी हुई है। मैं लेक्चर रूम दिखाता हूँ एक बार, आई थिंक मेरे बहुत दोस्त देखना चाह रहे हैं लेक्चर रूम। और ऐतिहासिक एक तो किससे डिस्कस करूंगा, फिर इसके बाद ब्रिज दिखाऊंगा ऊपर का, जो कि सबसे आइकॉनिक जगह है ब्रिज, जहाँ पे सब एले लोग खड़े होकर ताड़ से देखें। यहाँ से ये ऊपर भी होगी, बट कोई बात नहीं, मैं काला रहूँ तो लगूँ कोई बात, लेकिन यहाँ से हम देखते थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बड़े खुश होते थे वो लोग जिनकी क्लास जिनको लेक्चर रूम्स फर्स्ट फ्लोर पे अलॉट होते थे। और हाँ, दिस इज अ वेरी स्पेशल रूम, मोस्ट फेमस एंड मोस्ट हैपनिंग फैकल्टी रूम। सम ऑफ द प्रीमियम फैकल्टीज एक्चुअली टॉट अस वेट रजनी मैम, ग्रीन सर, पूजा गुप्ता मैम होती थी इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनका ऊपर रूम होता था सेम, वैसे हर फ्लोर तो सेम बने हुए। एंड देन यू नो दिस वाज आवर और ये शीशा है। आजकल मुझे लगता है कि इस रूम में जब भी कोई जाता है पहले उसको उसका आईना दिखाया जाता है, फिर कहते हैं आप वॉक इन कीजिए कुछ कंप्लेंट लेके। सो अर्लियर व्हेन द यूनिवर्सिटी हैड स्टार्टेड, सो यू नो दिस यूज्ड टू बी प्रोफेसर उमेश विनायक यूज्ड टू बी द डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स, पीपल वुड हैव रिमेंबर। एंड देन कर्नल कुलवंत सिंह बिकेम द डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स एंड दिस यूज्ड टू बी द मोस्ट हैपनिंग प्लेस। और हम अपने आप से ज्यादा फेस्ट फॉर इवेंट हम यहाँ से सजावट ना भाई अपने टाइम पे नहीं है। ये वो पानी का कूलर है नीचे को दिखाया था, इसमें एक लोग होली का रंग डाल दिए थे, पानी पी के देखते हैं। पानी वैसा ही है, ठीक है यार, ये पीपी के बड़े हो, ये पीपी के बॉडी हम नहीं थे। यूज्ड टू बी द बॉयज हॉस्टल विच आई एम वेरी अनहैप्पी टू शेयर दैट इज नाउ द गर्ल्स हॉस्टल। लड़कों को खेल के पीछे की बिल्डिंग जो बेस्ट पीछे नई बिल्डिंग बनी है वहाँ पे भेज दिया गया। वो बॉयज वो जो दो नए ब्लॉक बने ना दैट इज द न्यू बॉयज, अभी जो लौंडे तैयार हो नहीं करते, वो चाव है ना वो रुतबा है वो खत्म कर दिए अपने बार। अरे बड़ा प्यारा लगा, बड़ा कूल और हैपनिंग बाबा लगा ये मुझे, तो मुझे किरदार ये बड़ा प्यारा लगा जब ये आया, तो मैंने देखा मैंने कहा कि यार कुछ तो ये कर रहा है। तो देर आर सर्टन एक्ट्स इन अ प्ले वेयर आइदर एन एंटायर ग्रुप ग्रैब्स योर अटेंशन विच हैज हैपेंड हियर एंड इवन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स ग्रैब योर अटेंशन। आपने कल रात को खाने में का खाया कौन था वो मुझे पूछने आए ना, मैं पूछ रहा था। वेरी गुड, आजकल मैं बातों से पेट भर लेता हूँ, जब पूरे दिन काम करते ना तो लोग बड़ी अजीब अजीब सी बातें सुनाते हैं मुझे। सर वैसे मेरे पास लेखक आते हैं ना, सर ऐसी कहानी बनाएंगे ऐसी फिल्म बनाएंगे बड़ा कुछ करेंगे, तो मैं सुबह से शाम तक लोगों की बातें सुनता रहता हूँ और जब घर आता हूँ तो भूख मर जाती है। ठीक है, एल्गोरिथम फेस्टिवल फर्स्ट ईयर में जब हम लोग प्ले रहे थे 2008 में द बैच स्टार्टेड, फेस्ट ऐसा नहीं था, कल्चरल इवेंट इंट्रोड्यूस किए गए थे एल्गोरिथम ऐसा फेस्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस 2009 एंड वी हैड पुट अप अ कोर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर द सेम। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में बड़े बड़े लेवल के डिसीजन लिए जा रहे थे, उसको सारा स्टूडेंट ग्रुप था फैकल्टी थी मेंटर करने के लिए,
स्पेलिंग बदल दी है एंड इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ द टेक्निकल एंड दैट इवेंट एट दैट टाइम एंड आई एम वेरी हैप्पी इट्स सच अ बिग इवेंट नाउ इतना अच्छा लगता है दिन रात नहीं कर जाते थे आपको बच्चे अच्छे थे चश्मे लाल कोट पता नहीं क्या क्या पहन के घूम रहे भाई हम लोग तो अच्छे आ जाते थे बड़ा अच्छा लगता था एट दैट टाइम वाज आल्सो गुड नाउ यंगस्टर्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एंजॉयिंग नाउ वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड वी चेरिश दैट एंड वी स्टिल चेरिश दैट एट द गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइफ एंड आई वुड से वी गॉट अ लॉट ऑफ इट लॉट ऑफ थिंग्स पांचों टीम्स जो है ना मेरे पास तो पांच ट्रॉफीज होनी चाहिए सबको देने के लिए बिकॉज सबने बहुत अच्छा किया कहीं कहीं किसी किसी दिन बस कुछ एक आ चीज ऊपर नीचे होती है परफॉर्मेंसेस सबकी एट पार वी वुड ऑल आई वुड लव टू क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एन आउटस्टैंडिंग एफर्ट सबसे अच्छी बात यह है कि ऑडियंस हो या ना हो वो शुरुआत में आती है लेकिन हमने वो हौसला बना के रखा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो फॉर अस टू यू नो रिटेन दैट अमाउंट ऑफ मोमेंटम कि जब ऑडियंस ना भी हो तब भी हमारी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा है तो जैसे द शो मस्ट गो ऑन दे नहीं दे कुछ नहीं होता राज कपूर साहब कह के कहते द शो मस्ट गो ऑन और शो चलता जा रहा है